पता नहीं इनमें छेद है शायद, तो ऐसे वाले कप कभी मत लाना आप लोग। जैसे इनमें क्या हो रहा है कि अंदर पानी जा रहा है ना, तो पहले गुड़ को पिघलाते हैं, फिर उसमें चावल का आटा को मिलाते हैं, फिर इसमें बना रखी थी मैंने भांग जीरे की चटनी। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल में झिंकवाण ब्लॉग में। तो बस यार, अभी जो ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है 11 बजे से हो रही है, और आज जो मौसम है हल्का सा धूप लगा हुआ है, हल्का सा बादल लगा हुआ है। तो अभी बारिश आने को, फिर सुबह तक तो धूप लगी थी, अभी जाके मौसम फिर से वैसा ही हो गया। तो इस मौसम का आजकल तो पता नहीं क्या ही सोच रखा है, मतलब हर दिन बारिश हो रही है, हर दिन बारिश हो रही है। तो अभी हमारा हो रहा है लंच बनाने का टाइम, तो आज लंच में मैं बनाऊंगी दाल और चावल। सोमवार का मौसम इतना ख़राब हो रखा है, आज लंच में बना है दाल, और ये दाल मतलब सारी मिक्स दाल है। किस किस को पसंद है राजमा और चावल। और यहाँ पे आगे हमारा सलाद, और इसमें बना रखी थी मैंने भंग जीरे की चटनी। ये तो पूरा भर रखा था, मुझे बहुत पसंद है भंग जीरे की चटनी। तो मैंने ना जब भी रोटी खाती हूँ तो ऐसे इसको मतलब यूज करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है इसको ना नींबू के साथ। भंग जीरा जो होता है सबको पता होगा। और आज बना है हमारा एकदम प्यारा सा लंच, दाल चावल। और दाल चावल तो मेरा इतना फेवरेट है ना, सबका फेवरेट, मेरा ही क्या है, वो तो सबका फेवरेट रहता है। और बाहर फिर से मौसम वैसे हो रखा है, देख रहे हो बारिश आने को होगी फिर से। आ जाओ भाई लंच करो जल्दी से। तो दोस्तों अभी इतने सारे बर्तन धोए मैंने, और ठंडे में ना आजकल पानी 3-4 दिन से इतना ठंडा हो रहा ना पानी, तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा बर्तन वगैरह धोने के लिए। तो अभी बड़ी मुश्किल से मैंने बर्तन वगैरह धोए हैं, साफ़ कर दिए, बाद में बिल्कुल भी मन नहीं करता है। गैस वगैरह भी सब साफ़ कर दिया, और अब बनाती हूँ थोड़ा सा चाय, क्योंकि चाय पीने का मन कर रहा है, तो चाय बनाते हैं। और ये वाली जो प्लेट है मैं मेले से लाई थी, और बहुत ही सुंदर है, मतलब बहुत ही अच्छी है। इसे तो मेले में से पता कितने 80 रुपए की लाई थी मैं ये वाली प्लेट, और 4 कटोरी भी लाई थी। मतलब कभी कभी क्या होता है कि मेले में भी कोई सामान ना बहुत ही अच्छा मिल जाता है। तो दोस्तों मैं 4 कप ये वाले कप लाई थी, ये भी बहुत ही अच्छे कप हैं, और इनमें चाय ऐसा होता है ना कि मतलब ख़त्म ही नहीं होती, ऐसा लगता है इसमें कि चाय पीती जाऊँ पीती जाऊँ पीती जाऊँ। और ये ना दिखने के छोटे हैं, पर इसमें चाय इतनी ज़्यादा आती है, और बहुत ही टेस्टी भी लगती है इसमें चाय। तो ये जो मैं कप है ना मार्केट से लेके आई थी, पहले वाले भी लाई थी मैं, वो बिग बाज़ार से लाई थी, तो उनमें क्या हो रहा था ना, वो दूसरे मॉडल के कप है मेरे, ये वाले कप हैं। तो ये मैं देहरादून से लाई थी बिग बाज़ार से, तो ये बहुत ही बेकार कप है, इनमें ना आधा में पानी चला जा रहा है यहाँ नीचे, मतलब पता नहीं इनमें छेद है शायद। तो ऐसे वाले कप कभी मत लाना आप लोग। जैसे इनमें क्या हो रहा है कि अंदर पानी जा रहा है ना, तो चाय एकदम से ठंडी हो जा रही है, तो आधा अभी भी पानी जा रखा है इसमें, तो इनको मैं अब यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि आधा से ज़्यादा पानी से ही भर रखा है ये। तो ये जो ऐसे वाले पतले वाले रहते हैं ना, ऐसे वाले यूज करने चाहिए, इनमें क्या होता है कि बहुत ही अच्छे होते हैं ये वाले। मैं पहले अपने लिए फीकी चाय निकाल दूंगी, क्योंकि मैं पीती हूँ आजकल फीकी चाय, मेरे को फीकी चाय पीने की आदत हो गई है। और इन दोनों के लिए, झिंकवाण जी और अन्नू बेटू के लिए, चीनी वाली चाय बनाएंगे। तो हम पहले अपने लिए निकाल देंगे गुड़ वाली चाय, फिर उसके बाद डालेंगे इसमें चीनी। तो सब अलग अलग पसंद के हैं, सबको अलग अलग टेस्ट है, तो अपनी अपनी टेस्ट होता है। आजकल मेरे को चीनी वाली चाय नहीं चाहिए, तो मैं चीनी वाली नहीं पी रही हूँ, तो मैं पी रही हूँ आजकल गुड़ वाली चाय। और ये मेरा गुड़ आ गया, और ये चाय आ गई। तो दोस्तों क्या हो रहा है कि 2-4 दिन से ना पहाड़ों में बारिश हो रही है, रात भी दिन भी कंटिन्यू बारिश हो ही रही है। तो ऐसे में क्या हो गया ना कि मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया है, और ऐसे में ऐसा लग रहा है ना कि ठंडी मतलब अब लग रही है, ऐसा नहीं लग रहा, जब ठंडी में भी इतना ठंडा नहीं हुआ था, ऐसा लग रहा है कि ठंडी ना अब स्टार्ट हुई है। तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा मौसम, और बॉडी भी ना, बॉडी का जो टेम्परेचर है बहुत ही डाउन हो गया, मतलब हाथ पैर एकदम से काम भी नहीं कर रहे, इतना ठंडा हो रहा नहीं कर रहा। तो आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा कुछ गर्म चीज़ बना दूँ, जिससे बॉडी हमारी गर्म हो। और मैंने कब से ला रखे थे तिल, और मैं सोच रही हूँ आज थोड़ा सा ना तिल के लड्डू बनाती हूँ, और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी उसकी रेसिपी। से क्या होता है कि बॉडी गर्म रहती है, और उससे जो भी ठंडा बॉडी में लग रहा है ना, वो थोड़ा कम लगता है। तो तिल के लड्डू बनाने चाहिए, ठंडे में ही बनाते हैं लोग। तो ये मैंने कब से ला रखा है तिल, और गर्मी स्टार्ट हो गई थी, तो फिर मन नहीं कर रहा था कि यार मैं तिल के लड्डू बना दूँ,
पर आज मैं सोच रही हूँ चलो बना देती हूँ। यार बॉडी बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, जितने भी कपड़े पहनो तो ऐसा लग रहा है कि यार ठंड ना रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, तिल को थोड़ा सा ना भूनेंगे, और उससे क्या होता है ना 5-7 मिनट ऐसे भूनेंगे तिल को, और उससे जो भी तिल का जो कच्चापन रहता है ना वो चला जाएगा। तो अभी मैं ले रही हूँ ऐसे तिल और इनको हल्का सा ना भूनूंगी, तो ऐसे हल्का सा ब्राउन करूँगी मैं, ज़्यादा नहीं भूनूंगी, 5-6-7 मिनट ऐसे भूनूंगी। और उससे क्या होगा ना जो भी तिल का जो ये कच्चापन है ना थोड़ा सा ब्राउन करेंगे तिल को। तो दोस्तों मैंने इसमें गुड़ डाल दिया है, और गुड़ को ना हमको पिघलाना है, और वैसे तब तक पिघलाना है जब तक उसकी एक लेयर जैसी नहीं बन जाती है ना, जैसे मतलब लोग पहाड़ों में अरसे बनाते ना अरसे, तो वैसे इनको भी पिघला के वैसे एक लेयर जैसी बनानी है। तो पूरे गुड़ को पिघलाना है पहले, तो फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये तिल। और आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मूंगफली को हल्का सा रोस्ट कर रखा है, तो मैं इनको छील के इसको डालूंगी, और थोड़ा सा मेरे पास किशमिश है तो मैं किशमिश डालूंगी। तो अभी मैं पहले गुड़ को पिघला रही हूँ। तो दोस्तों जो हमारा गुड़ है वो पिघल गया है, और मतलब इसको ऐसा होना चाहिए ना, ऐसी लेयर आनी चाहिए, एकदम से अच्छे से पिघलना चाहिए ना गुड़ को। तो जैसे मतलब उसको नहीं करते अरसे बनाने के लिए, मतलब मेरे को तो नहीं आते अरसे बनाने, पर जैसे पहले गांव में बनाते थे तो मुझे पता है कि मतलब एक ऐसी लेयर जैसी बननी चाहिए, तो तब जाके उसको मतलब माना जाता है कि हाँ भाई इसका वो बन गया, इसलिए वह अरसे भी अच्छे बनते हैं। तो अरसे के लिए भी ऐसे बनाते हैं पहाड़ों में, जब अरसे वगैरह बनाते हैं ना तो ऐसे बनाते हैं उनको भी, मतलब पहले गुड़ को पिघलाते हैं, फिर उसमें चावल का आटा को मिलाते हैं, फिर जाके उनको तलते हैं। तो दोस्तों ये मेरा सारा मिक्स है, तो अब मैं इसको इसमें डालूंगी और फिर इसको अच्छे से मिलाऊंगी। गैस को आप हल्का सा मतलब धीमा ही करना, क्योंकि तिल जल जाएंगे फिर दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों ये बन गए हमारे तिल के लड्डू, और इसकी अब क्या करेंगे, छोटी छोटी सी लोई बनाएंगे, मतलब जितनी भी अपनी साइज के अनुसार आप बना सकते हो। तो अभी थोड़ा सा गर्म है तो मैं इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी, फिर उसके बाद इसकी लोई बनाऊंगी छोटी छोटी सी। तो दोस्तों ऐसे करके हमको इनके लड्डू बनाने हैं, तो इतने साइज के ज़्यादा बड़े भी नहीं, अच्छे नहीं लगते, तो इतने छोटे छोटे साइज के लड्डू बनाएंगे। तो सारे लड्डू बना के फिर दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो दोस्तों मैंने सारे लड्डू बना दिए हैं ऐसे गोले गोले करके, तो इतने टेस्टी हो रहे हैं ना, आप लोग भी बनाइए और बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो कुछ ऐसी थी, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय उत्तराखंड, जय पहाड़, बाय बाय।